प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्ते, मेरा नाम है महेश पलावत। यह है देश भर का मौसम अपडेट और मौसम पूर्वानुमान। आज 18 तारीख हो चुकी है और जो एंटी साइक्लोन बना हुआ था, जो पिछले कई दिनों से हमने देखा था कि जो राजस्थान के ऊपर बना हुआ था, उसके बाद गुजरात की तरफ गया, अब वो हट गया है। और वो जो बना हुआ था वो इस तरह से था, ये एंटी साइक्लोन था और इस तरह से, यानी घड़ी की दिशा में हवाएं घूम रही थी। तो ये जो पश्चिमी हवाएं थी, ये काफ़ी ज़्यादा गर्मी लेकर के आ रही थी पूरे हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना में। तो जो लू की स्थिति बनी हुई थी, भीषण लू चल रही थी, यानी कि सामान्य से भी 6-7 डिग्री ऊपर तापमान बने हुए थे, तो उसमें अब धीरे धीरे राहत आने की संभावना है क्योंकि ये एंटी साइक्लोन हट गया है। और आप देखिए, पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है एक, और उसके प्रभाव से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है। तो हवाएं इस तरह से घूमने लगी, जो पहले इस तरह से घूम रही थी वो इस तरह से घूम रही है। और उससे क्या होगा कि जो गर्मी वाली हवाएं हैं वो थोड़ी सी रुक जाएंगी, यानी कि इस तरह से जब घूमेंगी हवाएं, आप देख सकते हैं ये, तो ये मुंबई वगैरह के ऊपर ये उत्तरी हवाएं इस तरह से आएंगी। तो अब क्या होगा कि गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, इन इलाकों में तापमानों में थोड़ी सी कमी आने की संभावना दिखाई दे रही है और कुछ राहत मिलेगी। हालांकि बहुत ज़्यादा राहत तो नहीं है, लेकिन फिर भी 2-3 डिग्री की अगर कमी आती है तापमान में तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, आप देख सकते हैं कि अब ये आ चुका है, ये जम्मू कश्मीर के ऊपर पहुंचने वाला है। तो आज रात से जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, इन इलाकों में रेनफॉल और ऊंची पहाड़ियों पर स्नोफॉल शुरू हो सकता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड क्योंकि काफ़ी आगे हैं, इसमें इसका असर दिखाई नहीं देगा, यानी कि जो रेन एक्टिविटी और जो वेदर एक्टिविटी है इसी इलाके में होगी। इसके प्रभाव से चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, लेकिन क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं है, आप देखिए हवाएं इस तरह से आ रही है, अगर ये समुद्र से आ रही होती, यानी अरब सागर से आ रही होती, तो यहाँ मॉइस्चर आता और उत्तर भारत में एक बार फिर बारिश हो सकती थी। लेकिन इससे कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, यानी कि तापमानों में कुछ गिरावट हो सकती है, बहुत ज़्यादा गिरावट दिखाई नहीं दे रही। लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान का मौसम शुष्क बना रहेगा, गर्म बना रहेगा। और अगर हम पूर्वी भारत की तरफ चलें तो पूर्वी भारत में भी कुछ राहत की खबर है, क्योंकि ये देखिए आप, इस तरह से हवाएं आ रही हैं, ये जो पहले शुष्क हवाएं आ रही थी ये बंगाल की खाड़ी से आने लगी हैं। तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तापमान कुछ गिर सकते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत ड्रॉप टेम्परेचर में दिखाई दे रहा है। जो हीट वेव आने वाली थी अभी फिलहाल नहीं आई है, क्योंकि 40 डिग्री कम से कम होना चाहिए तापमान प्लेन्स में, यानी कि अगर मैदानी इलाके हैं तो 40 डिग्री मैक्सिमम टच होना चाहिए। और जो डिपार्चर है वो कम से कम 4.5 से 6.5 के बीच में होना चाहिए। अगर 45 डिग्री तापमान हो जाता है, तो अगर डिपार्चर कितना भी हो तो उसको हीट वेव कह लेते हैं, और अगर 47 डिग्री तापमान पहुंच जाता है तो उसको सीवियर हीट वेव कहते हैं, और अगर डिपार्चर 6.5 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो उसको भी सीवियर हीट वेव कहते हैं। तो जो सीवियर हीट वेव राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाकों में चल रही थी, कि यहाँ डिपार्चर 7-8 डिग्री का था, तो अब इन इलाकों में थोड़ी सी राहत मिलेगी, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि वेदर ड्राई रहेगा, लेकिन हवाओं के बदलने से थोड़ा सा तापमान में कमी आ सकती है। उसी तरह से जो उत्तर पूर्वी भारत है, इसमें कोई भी खास तब्दीली दिखाई नहीं दे रही है, यानी कुल मिलाकर मौसम शुष्क बना रहेगा, गर्म बना रहेगा। और मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में अब महाराष्ट्र के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, तो छत्तीसगढ़ और इसके इलाके में आप देख सकते हैं कि हवाएं बदली हैं, और महाराष्ट्र, विदर्भ, यानी कि विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, इन इलाकों में जो टेम्परेचर बढ़ रहे थे, इधर से जो हवाएं आ रही थी, अब वो हवाएं इधर से, यानी कि बंगाल की खाड़ी से आ रही हैं, तो यहाँ पर तापमानों में थोड़ी सी कमी आएगी, थोड़ी सी राहत मिलेगी। जो तापमान 39 डिग्री तक हैदराबाद में पहुंचा था, वो 36 तक आ सकता है, यानी कि गर्मी में थोड़ी सी कमी हो सकती है, और उसी तरह बाकी इलाकों को भी कुछ राहत मिल सकती है। हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में 20-21 तारीख को मेघ गर्जना या हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और बात करें अगर हम ये गुजरात की, तो गुजरात में कुछ राहत है। मुंबई और उसके आसपास के जो इलाके हैं, मुंबई और सबर्ब्स में हमने देखा था 39.8 डिग्री, 39.6 डिग्री तक तापमान पहुंचा था, कुछ इलाकों में 40 डिग्री का आंकड़ा पार कर दिया था। अब वहां पर धीरे धीरे तापमान गिरेंगे और 35-36 डिग्री तक तापमान आ सकता है कई इलाकों में, यानी कि 3-4 डिग्री की गिरावट से काफ़ी ज़्यादा राहत इस इलाके को मिल सकती है, लेकिन मौसम अभी फिलहाल शुष्क बना रहेगा। केरल में कुछ बारिश की गतिविधियाँ अभी भी जारी हैं, जो जारी रहेंगी। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु लगभग शुष्क रहेंगे, और लक्षद्वीप में भी किसी तरह की वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। अब जो लो प्रेशर एरिया बना था वो अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि कल तक ये वेलमार्ग लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, ये साउथ अंडमान सीमा आएगा और ये उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा,
और डिप्रेशन बनेगा ये, और उसके बाद 20 तारीख तक ही ये सुबह डिप्रेशन बनेगा, 20 तारीख की शाम तक डीप डिप्रेशन बनेगा, और 21 तारीख को हो सकता है कि समुद्री तूफान असीम बन जाए। और ये जो तूफान है आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्शन है इसका, तो ये बांग्लादेश या म्यांमार इस इलाके में कहीं ना कहीं लैंडफॉल करेगा 21 या 22 तारीख को। उसके ऊपर हम नजर रखे हुए हैं, लगातार अपडेट देते रहेंगे। लेकिन इसके प्रभाव से जो हमारा पूर्वी तट है यानी कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये सारे इलाके अभी फिलहाल सुरक्षित दिखाई दे रहे हैं। इसमें किसी भी तरह की वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा जो नुकसान होने वाला है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में होने वाला है, क्योंकि इसी के पास से ये वेदर सिस्टम निकल रहा है। और इसका कारण ये है कि अब समुद्री सतह के तापमान इस इलाके में काफी ज्यादा गर्म है। हमने देखा था कि 1901 से लेकर के 2021 तक समुद्री तूफान मार्च के महीने में केवल 5 बने थे, यानी कि 120 सालों में 5 तूफान इधर बने थे। और इस बार हमने देखा था कि शुरुआती दौर में एक तूफान बना था जिसका नाम V1 दिया गया था, जो कई वेबसाइटों ने दिया था, और वो एक तरह से हम कह सकते हैं डीप डिप्रेशन से थोड़ा सा ज्यादा इंटेंसीफाई हुआ था। और मार्च के महीने में ही ये दूसरा तूफान यानी कि असिन बनने वाला है, यानी कि इस बार जो हम क्लाइमेट चेंज का असर देख रहे हैं और समुद्री सतह में जो तापमान में गर्मी देख रहे हैं उसके कारण लगातार 2 तूफान बन रहे हैं। और हो सकता है कि अगर इसी तरह की गर्मी रही तो मार्च, अप्रैल और मई का महीना और ज्यादा भयावह हो सकता है और तूफान बन सकते हैं जिससे कि पूर्वी तट को खतरा हो सकता है। इसके ऊपर हम नजर रखे रहेंगे और आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। स्काई मैप वेदर में अभी के लिए इतना है। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।